की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम 2 साल पहले भारत के शिकंजे में आ सकता था। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक साल 2013 में कांग्रेस के एक नेता जो वरिष्ठ वकील भी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी नेतृत्व को यह कहा कि दाऊद इब्राहिम भारत वापसी के लिए तैयार है। अखबार में यह भी लिखा गया है कि यूपीए सरकार के दौरान पार्टी और सरकार में सर्वोच्च स्तर पर इस बारे में चर्चा की गई थी। अखबार ने यह कहा कि दाऊद की वापसी के ऑफर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे शिवशंकर मेनन के बीच भी चर्चा की गई थी। अखबार के सूत्रों के मुताबिक पहले दाऊद की वापसी के ऑफर पर पार्टी नेतृत्व से चर्चा की गई और उसके बाद इस मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय में भी चर्चा की गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अखबार से कहा है कि उन्हें ऐसा कुछ याद नहीं है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की वापसी के लिए किसी के साथ भी उनकी कोई चर्चा हुई हो। तो भारत वापस आना चाहता था दाऊद इब्राहिम, साल 2013 की यह बात है और यूपीए सरकार में इस बात को लेकर चर्चा भी हुई थी। हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया है। अंग्रेजी अखबार के हवाले से यह खबर आई है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, अखबार में ये लिखा है कि 2013 में दाऊद इब्राहिम वापस भारत आना चाहता था, लेकिन यूपीए सरकार में इस बात की चर्चा हुई, लेकिन चर्चा पहुंची कहां तक, क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो इस बात को सिरे से ही नकार रहे हैं। देखिए, बिल्कुल एक सिरे से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बात को नकार दिया है कि कोई इस तरीके की बातचीत सरकार में हुई थी। जो दूसरी बात कही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो वकील हैं, उन्होंने ये कहा है कि पार्टी के अंदर भी उन्होंने चर्चा की थी, तो पार्टी की तरफ से अभी इस पर कोई स्पष्टीकरण आना अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि हर सरकार के अंदर ये बात कही जाती है और ये कोशिश की जाती है कि दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जाए, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो या फिर एनडीए की। इस वक्त जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, वो भी ये चाहती है कि किसी तरीके से दाऊद इब्राहिम की वापसी हो, लेकिन दाऊद इब्राहिम के सबसे खास छोटा शकील पहले भी कई बार इस तरीके के बयान दे चुके हैं कि दाऊद इब्राहिम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको एक झटके में आप उठा के यहाँ भारत ला सकते हो, उसके लिए बातचीत होनी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बातचीत जब तक नहीं होगी सरकारों के अंदर, तब तक दाऊद को लाना बड़ा मुश्किल होगा। नेहा, लेकिन हिमांशु, एक दूसरा पक्ष भी है, दाऊद का पक्ष। आखिरकार उस समय ऐसा क्या हुआ था जो दाऊद वापस आना चाहता था? एक वकील के जरिए उसने ये अपना पक्ष रखा, ये बात कही? देखिए, बिल्कुल इस तरीके की बातचीत के लिए पहले भी जो वरिष्ठ वकील है राम जेठमानी, उन्होंने भी दावा किया था कि दाऊद ने उनसे संपर्क किया था और कहा था कि वो भारत आना चाहते हैं। इस विषय में उनका ये कहना था कि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार से भी बात की थी और कि वो दाऊद वापस आना चाहते हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई थी। लेकिन शरद पवार की तरफ से इस पर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया था। तो इस तरीके की बातचीत कई लोगों से की होगी दाऊद इब्राहिम ने, लेकिन सरकार के अंदर रहकर किसी ने अगर बातचीत की हो, ये बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद इस बात को नकार चुके हैं। तो पार्टी के अंदर से स्पष्टीकरण आएगा कि इस पर क्या आगे बातचीत हुई थी या नहीं हुई थी। लेकिन हिमांशु, यहां पर यह जानना चाहेंगे कि अखबार में मनमोहन सिंह का पक्ष तो लिखा है कि उन्होंने सिरे से नकार दिया है इस बात को, पार्टी के जो अन्य लोग हैं यानी कि यूपीए सरकार में उस समय जो लोग थे, उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण? अभी तक देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पूरे मसले पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन जरूर अगर बातचीत हुई होगी तो कांग्रेस को इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा विषय नहीं है। क्योंकि दाऊद को भारत वापसी लाने का अगर कोई बातचीत किसी से व्यक्ति ने बात की थी पार्टी के अंदर आकर, तो वो एक बड़ी बात है और इस पर कांग्रेस को स्पष्टीकरण जल्दी ही देना होगा। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि राजनाथ सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में। जब इस तरह की खबर छपी अखबार में, यह कहा गया कि 2013 में दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड आतंकवादी भारत वापसी करना चाहता था, यहां आना चाहता था, एक वरिष्ठ वकील के जरिए उसने यूपीए सरकार तक ये बात पहुंचाई। यूपीए सरकार में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर, सुनिए। तो पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे ने क्या कुछ कहा ये हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं संक्षिप्त में कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे समय ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, यानी कि यूपीए सरकार के समय पर इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का ये बयान, उन्होंने इस अखबार के हवाले से जो खबर आई है उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है। ये कहा है कि हमारे समय पर यानी कि यूपीए सरकार के शासनकाल में इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई दाऊद इब्राहिम के वापस आने को लेकर।
ये उनको हम अमेरिकन जो FBI उनके साथ मेरी बात हो गई है FBI के साथ, और उनके अधिकारी और हमारे अधिकारी हमने बताया है वो कहाँ रहते हैं ये भी बताया है, हम प्रयास कर रहे हैं उनको लाने का।